आज की हमारी इस क्लासेस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, और इसमें हम बात करेंगे नेस्टेड इफ की। जी हाँ, नेस्टेड इफ की बात करेंगे। तो नेस्टेड इफ में हमने एक एग्जांपल कल आपको दिया था कि कैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स दिए हुए हैं और मुझे यहाँ पे 40 to 60 के बीच का 500 देना है, अदरवाइज 0 देना है। इसके लिए एंड भी यूज कर सकते हैं या फिर आप एक इफ के अंदर में दूसरा इफ। नेस्टेड इफ का मतलब ये हुआ कि एक इफ में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे चौथा, इस तरह से कंटिन्यूअस एक जाल की तरह बनता रहे। तो इसमें हमने ये बताया था आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हमने किया और कॉमा इसको सिलेक्ट किया, एक और इफ दिया, क्योंकि एक इफ में एक ही कंडीशन लगता है, लेस देन इक्वल टू 60। और यहाँ पे हमारा 500 आए, अदरवाइज 0, और दो इफ लगा है इसलिए दो एल्स लगेगा, ये हमारा आ गया। देखिए इसी में चलिए कुछ और चलते हैं। जैसे कि हमने आपको रिजल्ट वाली बताई थी, तो रिजल्ट को ही लेके चलते हैं। और यहां पे मैं सब्जेक्ट डाल देता हूं, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूं। सब्जेक्ट काफी ज्यादा डाल दिया मैंने, तो कम कर देता हूं। और मुझे यहां पे रिजल्ट डालना है। तो रिजल्ट में ये करना है कि भाई हर सब्जेक्ट के अंदर अगर 30 से ऊपर नंबर आया है, हर सब्जेक्ट में अगर 30 से ऊपर नंबर आया है तो पास, अदरवाइज फेल हो। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में अगर 30 से ऊपर नंबर आया है तो पास अदरवाइज फेल हो। उस केस में तो यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं इफ, और यहां देते हैं अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर कंडीशन दिया कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर अगेन इफ दिया और हमने इसको लिया कि बोला अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर वापस मैं इफ देता हूं और इसे पूछता हूं कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। अगर सारा 30 है तो यहां पे पास आए। जी हाँ, सारे के सारे रिजल्ट अगर 30 है तो पास आना चाहिए, अदरवाइज सब्जेक्ट 4 हमारा फेल है। देखिए तो हमने सब्जेक्ट 4 फेल दिया, तो यहां पे क्या है कि एक इफ ये चेक करेगा, अगर इसमें ट्रू हुआ तो इसको फॉरवर्ड करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो इसको फॉरवर्ड करेगा, ए ट्रू हुआ तो इसको फॉरवर्ड करेगा। तो अगर चौथा सब्जेक्ट चेक कर रहा है, इसके मतलब कि 3 सब्जेक्ट में वो पास है, तो पास आया, नहीं तो अगर फेल हुआ तो चौथा सब्जेक्ट में पेस्ट हुआ, क्योंकि 3 ऑलरेडी पास होके इसमें आया है। फिर इसका एल्स पार्ट देना पड़ेगा, सब्जेक्ट 3 डॉट फेल। तो अलग अलग रिजल्ट आप दे सकते हैं, कॉमा यहां पे सब्जेक्ट 2 फेल, कॉमा फिर कॉमा सब्जेक्ट 1 फेल, रिजल्ट आपके सामने। तो इस तरह से हम नेस्टेड
इफ का यूज करते हैं, एक इफ में दूसरा इफ का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। क्लियर है विदाउट इसमें? हेलो, तो इस तरह का यूज हम नेस्टेड इफ में लगाते हैं। एंड जिसे हम लास्ट क्लास में बताया थे एंड इजली था तो आपने इजली लगा लिया था। अब इसमें एक और करते हैं, जैसे आईडी है हमारा, आईडी में यहां नेम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी लिख दीजिए, मैंने ऐसे लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो आप मर्जी जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे मुझे स्टेटस चाहिए जो कि हमने और के लिए लगाया था। देखिए एंड और में क्या डिफरेंस है इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहां पे कंडीशन दिया है कि इफ अगर tan इक्वल टू वाई है तो यही पे ओके दे दे, बनने की जरूरत नहीं है। तो हमने एंड में क्या किया था, हर दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में आया था, बट और में क्या होता है, हर दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में होता है, ठीक है। कि अगर डीएल इक्वल टू वाई हुआ तो यही पे रिजल्ट ओके कर दो और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं यहां पे कमा दिया इफ और फिर हमने इसको चेक किया और बोला कि अगर इक्वल टू वाई है तो यहां पे ओके आए, अदरवाइज एक और इफ चले। तो यहां पे ओके होने के चांसेस जो है चार बार है, बट पेंडिंग होने के चांसेस एक बार है। तो सबसे लास्ट वाले इफ में हम पेंडिंग लिखेंगे, ठीक है। और जितना इफ उतना ब्रैकेट क्लोज करना है, तो जरूरत भी एंड आपने पूछेगा यस कर दीजिएगा, अपने आप ब्रैकेट को क्लोज कर देगा। तो ये हमारा और का एग्जांपल है। तो ऊपर जो आपने देखा वो हमारा था इसका एग्जांपल, एंड का एग्जांपल, ठीक है सर। कोई डाउट इसमें? क्या जी? नहीं, इससे पहले वाली क्लास में मैंने और बताया था, ये थोड़ी बताया मैंने आपको। नहीं, वीडियो भेजा था पर ये बताया नहीं है, ये पहले बता रहा हूं। हमने आपको पहले वाली क्लास में बताया था और कि और के जरिए करते हैं, हाँ, लेकिन ये नेस्टेड इफ है कि और के जगह पे हम एंड का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप और लगाते हैं तो क्या होता, आपको सिर्फ ओके ही देना होता, लेकिन इसमें आप हर कंडीशंस के लिए अपना अलग अलग रिजल्ट चूज कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे पैन ओके करना है, या फिर यहाँ पैन डिपॉजिट करना है, या फिर डीएल डिपॉजिट करना है, ऐसे कुछ आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। क्लियर है सर? एंड और दोनों समझ में आ गया? किसी को डाउट इसमें? अब इसमें अगला टॉपिक ये तो हो गया एक टॉपिक, इसमें अगला टॉपिक की हम बात करें तो अगली टॉपिक की बात करते हैं वो है कि अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें एक कंपोजिट रखना है तब क्या करेंगे। तो उस केस में मैं यहां पे इफ लगाऊंगा और यहां पे दैट इज इक्वल टू वाई, तो हमें दूसरा कंडीशन देना है। हम यहां पे मतलब कि पहले इफ हमने पहले जो कंपल्सरी है उसको स्वाइप चूज करेंगे, उसके बाद जो है बाकी इफ लगाते चले जाएंगे इफ ट्रू पार्ट में कि अगर ये इक्वल टू वाई है तो यहां पे ओके, फिर अगेन इफ दिया, इसको सिलेक्ट किया, अगर a इक्वल टू y है तो ओके, अगेन इफ हमने वाइज किया, अगर a इक्वल टू y है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग।
यहां पे पेंडिंग दो बार हो, पहले इसके बाद यहां पे मुझे लिखना है पेंडिंग। अब ओके कीजिए, अब पेंडिंग आ रहा है और जैसे मैंने किसी एक को दे दिया यहां पे ओके आ रहा है। तो एंड और का ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए जो एंड वाला पार्ट है मतलब जो कंपल्सरी है उसको रखें और कंपल्सरी वाले पार्ट के अंदर में ऑप्शनल पार्ट को रखें। हाँ जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ के बारे में, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम ग्रेडिंग सिस्टम सही क्या बोला पूछिए मतलब कि हमने बोला ना आपको सर कि आप इसमें क्या है कि एक इसमें आप पेंडिंग जो है इसमें पेंडिंग होने के चांस एक ही बार है ना, ओके होने के चांस कई बार है, तो ओके की जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें आगे का ऑप्शन आता है स्लैब का। जैसे मान लीजिए कि हमें इसको इसी पे आते हैं इसी के ऊपर, हाँ ये हमारा यहाँ पे टोटल है राइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया टोटल मार्क्स के लिए एक बना दिया कि हम इसको सम कर देते हैं। यहाँ पे हमें कंडीशन क्या करना है कि अगर ये पास हुआ तो मुझे ग्रेड देना है, तो ग्रेड क्या देना है, तो ग्रेड देना है कि अगर लेस देन 150 है तो आना चाहिए सी ग्रेड, 151 टू अगर 200 है तो यहाँ आना चाहिए बी ग्रेड, अगर 201 टू 250 है तो आना चाहिए ए ग्रेड और ग्रेटर देन 250 है तो आना चाहिए ए प्लस, ठीक है। लेकिन कब, जब इसके सामने पास हो तब, पास वाले को सिर्फ, तो क्या करें इसके लिए, तो चलिए इसके लिए हम नेस्टेड इफ बनाते हैं। तो सबसे पहले कंपल्सरी पार्ट ये है कि ए आपका इक्वल टू पास होना चाहिए, तो हमने पास कर दिया। फिर कंडीशन दिया कि इफ, अब यहां पे नीचे से ऊपर के सब तक चलेंगे कि अगर लेस देन इक्वल टू 150 हुआ तो यहां पे सी ग्रेड आना चाहिए। फिर कंडीशन दिया कि इफ अगर एक मिनट एफ टू सिलेक्ट कर लिया, मुझे यहां पे जी टू करना चाहिए था, यहां पे बोला इफ अगर जी टू लेस देन इक्वल टू 200 है तो यहां पे बी ग्रेड आना चाहिए। अगेन हम इसको सिलेक्ट किए और बोले अगर लेस देन इक्वल टू 250 है तो यहाँ पे ए ग्रेड आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे एक और कंडीशन चेक किया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 250 है तो यहाँ पे आना चाहिए ए प्लस, ठीक है, नहीं तो आना चाहिए फेल। यहां भी हम लिख देते हैं फेल, फेल है और जहां पास है वहां पे हमने हमारा ग्रेड यहां पे दिया हुआ है। तो ये हमारा इसमें स्लैब, अब स्लैब को अगर अच्छे से समझना है तो यहां समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे सेल्स क्वांटिटी दिया हुआ है और मुझे इस पे क्या है कि इंसेंटिव देना है, तो इंसेंटिव ये है कि अगर लेस 0 टू 40 होगा तो मुझे यहाँ पे 500 देना है, 41 टू 41 टू हमारा 41 टू 60 कर देता हूँ, 60 हुआ तो 1000, 61 टू 80 हुआ तो 1500, 81 टू
100 हुआ तो 2000 और greater than 100 है तो यहाँ पे 5000। तो ये slab कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम formula लगाएंगे if, इसको select किया और बोला कि यहाँ पे अगर less than 40 है तो यहाँ पे 500। अगेन if select किया, बोला less than equal to 60 है तो यहाँ पे 1000। फिर वापस if लगाया और हमने select किया, बोला अगर less than equal to 80 है तो यहाँ पे 1500। फिर वापस if लगाया और बोला अगर ये less than equal to 100 है तो 2000। और इसके बाद कोई कंडीशन बचता नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे 5000 दे सकते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? कोई डाउट सर इसमें? ओके, तो अब चलिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास कुछ इफ कंडीशन के एग्जांपल है, उसको एक बार देखते हैं। तो इफ कंडीशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेज रहे हैं, आप लोग जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेजिए, ठीक।